मेरे भाइयों ने काफ़ी मुफसिल इस चीज़ पे तफसीलन बात की। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द डे रॉबरी, जो नाम मैंने लास्ट ईयर भी सेंदक रेकोडेक दुदर को दिया था। इसको सिंपली, इसको मैं ये नहीं कहूँगी हमारा एक मुआहदा MOU हुआ है विद चाइनीज़, ये एक डे रॉबरी है, एक दिन दिहाड़ी एक डकैती है जो हम डायरेक्टली पेश कर रहे हैं थ्रू MOU विद चाइनीज़ दोबारा 15 साल के लिए। जनाब स्पीकर, इस पर क्योंकि काफ़ी मेरे भाइयों ने बात की, थोड़ा सा मैं इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूंगी। जब भी यानी अपनी नौयत की जो एक अहमियत के हामिल है डिस्ट्रिक्ट चागी, एक तो ये बॉर्डरिंग एरिया है, बॉर्डरिंग विद ईरान एंड अफगानिस्तान, इसके अलावा जो सेंदक रेकोडिक है जिसको दो हाथों से नहीं बल्कि हाथों और पैरों से यानी लूटा जा रहा है पिछले कई अदवार से, जिस पर मेरे भाइयों ने बात की कि आपके कवानीन हैं मादनियात के, मिनरल्स के, आया क्या हम उनकी वायलेशन नहीं कर रहे हैं? 8 घंटे डिगिंग जहाँ पे की जाती है वहाँ पे 8 की जगह 24 घंटे डिगिंग की जाती है। आया हम जो पत्थर लेकर जाते हैं, कभी उसका मेजरमेंट हमें उन्होंने दिया है कि इस पत्थर के अंदर है क्या? सोना, चांदी, तांबा, हीरे, कुछ भी हो सकता है, इससे बल्कि और ज़्यादा ऐसी मादनियात हो सकती है जो चाइनीज़ एक पत्थर की सूरत में हमसे यहाँ से लेकर जाते हैं। कोई रिफाइनरी नहीं है। आया हम जिस सरजमीन से ये लेके जा रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ हमने कितना इंसाफ किया है? यही आपके रेकोडिक और सेंदक के मुलाजमीन कुछ अर्सा पहले सिर्फ जो मजदूरी का काम करते हैं वहाँ आपके टेक्निकल काम करने के लिए कोई बलूचिस्तान का लोकल मौजूद नहीं है। हम हज़ारों की तादाद में इस वक्त हमारे पास इंजीनियर बच्चे फारिग बैठे हुए हैं, फारिग हैं, रोज़गार नहीं उन्हें, वो करीम की गाड़ियां चला रहे हैं, वो दुकानें चला रहे हैं, लेकिन बरसरे रोज़गार नहीं है। इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं यहाँ पे बैठे हुए। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है, CM साहब खुद मादनियात के मिनिस्टर भी हैं, पता नहीं अब समझें कितनी मिनिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने संभाली हुई हैं, कि एक MOU पे भी साइन करते हैं कि आया उसके TORs में क्या है। आज तक कभी वो यहाँ इस फ्लोर पे पेश नहीं हुआ है कि उनके TORs में क्या है। कोई रिफाइनरी आपका सेंदक प्रोजेक्ट का वहाँ पे नहीं है, वो पत्थर की सूरत में लेके जाते हैं, कितना लेके जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेके जाते हैं, आया क्या दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट MOU और उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, वो ज़ीरो है। कोई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ की आबादी नहीं है डिस्ट्रिक्ट चागी की, लेकिन वहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, या तो उनका रोज़गार स्मगलिंग है। साफ सी बात मैं इस वजह से यहाँ कर रही हूँ कि हम जो MOU हमने किया है कि हमने बलूचिस्तान के साथ, हमने अपने आइन के साथ वायलेशन की है। आफ्टर 18th Amendment अगर हम इस चीज़ का हक रखते हैं कि कोई MOU उसके रिसोर्सेज उस प्रोविंस के होंगे, तो आज तक कभी क्या हमने बलूचिस्तान के लोगों का हक अदा किया है? आप डेटा मंगवा ले, बिल्कुल सेंदक और रेकोडिक में काम करने वाले लोगों का आप डेटा मंगवा ले, आप देख ले उसमें लोकल लोग कितने काम कर रहे हैं वहाँ के, और वहाँ के जो बाकी बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी तादाद कितनी है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। वहाँ से 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पे किली अमल है, जिसका नाम अमल है, आप जाके देखिए वहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चों के पैरों में जूते नहीं हैं। हम किस हद तक हम बलूचिस्तान के साथ सिंसेरिटी की बात करते? क्या ये MOU हमारे बलूचिस्तान के लिए है? क्या ये आफ्टर 18th Amendment हमारी वायलेशन हम खुद नहीं कर रहे अपने आइन, अपने कानून के साथ? हम जवाबदेह नहीं हैं उन लोगों को? आप जाके पुरसाने हाल देखें, आप वहाँ के लोगों की हालत देखें, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एक किली की बात की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स कॉलेज है, एक बॉयज़ इंटर कॉलेज है, जहाँ से आप सोना दिन रात लूट के ले जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। बलूचिस्तान खैरात देने की जगह नहीं है कि आप जो भी उठाए आप प्लेट में जो है ना सजा के उसको खैरात के तौर पर दे दें। जनाब स्पीकर, इस पे जिस कमेटी की बात मेरे भाइयों ने की थी जो लास्ट ईयर, वो कमेटी फॉर्म नहीं हुई है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, हमारे लोग जो है ना एक वक्त का खाना, एक वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिलती है, और यहीं पे 15-15 साल का लीज हम दूसरों के साथ करते हैं। जब भी वहाँ की जॉब्स आती हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान के लिए क्या है, किस चीज़ की? ड्राइवर की जॉब है, खाकरोप की जॉब है,
क्योंकि बाकी जितने हमारे ये यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो हम अपने बच्चों को वहाँ से निकालते हैं उनको रोज़गार के मौके हम क्यों नहीं दे सकते इनमें। इस एमओयू को बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल एक यानी बलूचिस्तान की किस्मत पे काला दाग कहूँगी अगर हमने इस पे साइन किया है एक दोबारा इस हुकूमत पे कि ये तनकीद का निशाना अगर बनाया गया है चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने नोट में लिखा है चाहे लॉ ने कि हमने वॉयलेशन की है तो ये हमेशा से ये वॉयलेशन इस पे यानी एक दब्बा लग गया है। इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए कमेटी को फहाल किया जाए जिस कमेटी का जिक्र हमने बारह किया है उसको लाया जाए और प्लस उसको जो है ना लोगों को दिखाया जाए कि हमने उन टीओआर्स में क्या है उन टर्म ऑफ कंडीशंस उनकी क्या हमने रखी है। उसके बाद आप रेकोडिक और सेंधक और दुदर जैसे प्रोजेक्ट्स को आप चलाएं लेकिन पहला हक यहाँ के लोगों का है बलूचिस्तानियों का है और बलूचिस्तान का हक हमें लाजमी देना है उनको।